जो आया था वो सुनचरैया वाली मिल पे। अच्छा, मिल पे गया था। हाँ। तो पेमेंट अकाउंट में आया था। हाँ, अकाउंट में पेमेंट आया था। मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि 1525 में आपने सरकारी सेंटर पे बेचा था, सरकार को ही बेचा। बिल्कुल, सरकार को ही बेचा। क्यों? हाँ बिल्कुल, सरकार को ही बेचा। लेकिन 1525 में बेचा, ऐसा कह सकते हैं ना? बिल्कुल, यही फैक्ट है। तो मजबूरी में, मजबूरी क्या थी आपकी? आप तो पढ़े लिखे हैं और आप तो अच्छे करते हैं, आप जाते हो। दो बार बात करके आया था मैं वहाँ, ये दुर्लापुर वाले पे जो हम लोगों का सेंटर है। अच्छा, कौन सा सेंटर है वो? दुर्लापुर मेन है। फिलहाल कुल मिला जुला कर हमने कहा जल्दी हटाओ भैया, क्योंकि धान का मैटर है, रख भी नहीं सकते ज्यादा दिन, रख भी नहीं सकते, इसलिए हटा दिया। क्या करें? कैसे पेमेंट आया? कितना पेमेंट, कितना कुंटल आपका कुल हुआ था? पेमेंट तो पूरा पूरा आया, उसमें आप लोग कुछ करने से, पेमेंट तो वो उन्होंने सरकारी रेट से ही हमारे अकाउंट में भेजा। अच्छा अच्छा, हुआ था जितना था, लेकिन वो फिर हमने अपने बाकी निकाल करके पैसा इनको दे दिया। अच्छा अच्छा, सरकार जो है ढिढोरा पीट रही है कि हमको जो है इतना MSP दिए, ये सब कुछ नहीं देती है, सब झूठ बोलते हैं। किसी किसान का वहाँ धान नहीं तोलाता है सरकारी सेंटर पे, किसी का नहीं तोला नहीं, सब बनिया ले जाते तोलते। आपके गांव के जो है संतोष है, चांद मोहम्मद है, किरण है, जैसा देवी, सरिता, हमारे गांव के केरी सब है ही नहीं, हथियागढ़ के हैं, वहाँ के भी नहीं है। चांद मोहम्मद और मंजू, अरे हमारे गांव के ये कोई है ही नहीं, हमारे गांव में ये सब किसी का नाम ही नहीं, संतोष नाम का कोई नहीं, चांद मोहम्मद मुस्लिम है ही नहीं इस टोले पर, अंगीरा निषाद है कोई नहीं है भाई। अभी बिचौलिया वाला काम समाप्त कर दिया, FIR शुरू हो जा, ऐसे मान ली सरकार तो लागू कर दी कि भूसा ये पुआल को मत जलाइए, अगर हम जबरदस्ती करते हैं तो हम जेल जाते हैं। अब ये व्यापारी जेल नहीं जा रहे हैं, हमारा धान 1300 का ले लिए, 1400 इनके लिए जेल नहीं है, सरकार इसमें नहीं लागू कर रही कि जेल इनका भी कर दिया जाए, नहीं तो सब लोग तो FIR करते। इनको लेखपाल नहीं देख रहे हैं, हमको लेखपाल देख सकते हैं और व्यापारी दृष्टु है उनको लेखपाल नहीं देख सकते, पूरे ग्राम सभा में एक दो ही व्यापारी तीन होंगे, तो तीन व्यापारी को सरकार नहीं देख पा रही है, अब पूरे किसान को देख रही है कहाँ पुआला जला रहा है। FIR करिए, उनको जेल करिए, गलती किसकी है? सारी सरकार की है। माना कि नहीं इस बात को? एकदम सही है, एकदम। अभी एक नहीं, चार व्यापारी के ऊपर FIR हो जाए, हमारा 1400 का धान खरीद लिया, FIR हो जाए, उसको जेल काटना पड़े तो धन में नहीं लेगा, नहीं नहीं नहीं, वो लेगा तो 18 लेगा, 19 का लेगा, नहीं तो सरकार खुद लेगी, जाएंगे लोग कहाँ? इस पे टाइट नहीं सरकार हो रही है, यानी दोष आप सरकार का मान रहे हैं? नहीं, आप भी देखिए, आप ही तो इंसान ही है, हम जैसे बात करें आप भी तो हमारी तरह हैं, एकदम एकदम, उसको आप भी सोचिए, हम भी सोच रहे हैं, आप भी सोचिए इसमें क्या सही क्या गलत, हमें नहीं कि दोष सरकार के किसकी है, इस पे विचार करिए कि कहाँ मिस्टेक है, कहाँ क्या हो रहा है, व्यवस्था में कहीं ना कहीं खामी है, खामी है। अभी यही टाइट हो जाए सरकार सोसाइटी पर, क्यों गला नहीं इतना? अच्छा ही बताइए, सारी चीज सरकार देख रही है, जो गला इसको क्यों नहीं देख पा रही है? यहाँ जो सचिव बैठा हुआ है, चलिए आपका धान हटाइए, वो फाला चौधरी है, बड़ा है उनका, 200 एकड़ है उनका, पहले लगाइए, चाहे उनका होता है गील हो कोई उनका चला जा रहा है, छोटे किसान है वो मार खा जा रहे हैं, यही हो रहा था, नहीं हो रहा है, सही हो रहा है, 10-20 बोरा 25 बोरा नहीं ली है, नहीं लेंगे, यही हमारे सब दोनों व्यापारी के दे देता, वो अपन जाना भूल जाता है, और फिर कौन वहाँ जा करके लफड़ा पारेगा, सचिव से कौन मुकाबला करेगा, कौन FIR करेगा? नहीं कर पाएगा, बगावत करेगा कोई? नहीं कर पाएगा, 10 क्विंटल धान लेकर के नहीं।